आई थिंक यू नो ऑब्वियसली हमारा आई थिंक वेरी लव Yeah, so I think, you know, obviously we're at Mitchie Music Awards and we would love to sing our own single right now because that's abhi released hua hai 8 mahine pehle, so this is what it sounds like. We'll just sing a little bit of the song, so it goes something like this. Kendi ha, kendi na, teri aakhiya, kendi ha, kendi na, aakhiya. Thank you so much. जल्दी का इस तीन सवाल तीन सवाल नहीं होता नहीं होता तो फिर हम मैम Hi. So, कौन कौन से गाने आपके फेवरेट रहे ये साल जो आपका भी काफी फेवरेट था? One song that stuck in my head today, I will tell you, and I really like it, is Akhmare. And I think that Sarah and Ranveer are so cute when I watch them on screen. ओके मैम रागिनी एमएमएस को काफी पसंद किया गया डिजिटल में क्या कहना चाहेंगे और सॉन्ग भी काफी पसंद किया गया क्या कहना चाहेंगे क्या एकता मैम के साथ फिर से आने वाली है मैम ने कहा था Yes, I'm very happy that people like the show. You can only hope that any project that you're a part of, whether it's big or small, that it does well. And the song, I love the song. And I really hope that we have some big news for everybody soon and we'll work together very soon. Okay, ma'am, Paras Chhabra ne kabhi aapke saath misbehave kiya tha? Sorry guys, no comments on that. Come, let's move. That's not a question for right now. Yeah, come, let's move. Thank you.
जी हमारे देश का इकलौता वन एंड ओनली इट्स प्योर मिर्ची म्यूजिक अवार्ड सो आई एम रियली हैप्पी और जहाँ पे जो भी म्यूजिक में जिन्होंने भी सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है उनको अवार्ड दिया जाएगा सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. Actually, I'm doing this film. It's one is the South remake and one is a female centric film by. No, I just feel about. I actually don't know about the controversy or anything. Thank you. I think the outfit was एक महीने से ज़्यादा लगा उसको प्रिपेयर करने में और इट वॉज डिज़ाइंड बाई दिस कोसोवो बेस्ड डिज़ाइनर अल्बिना डायला. रेड कलर का आउटफिट था और रेड रोज इंस्पायर्ड था. सो या थैंक यू सो मच फॉर लविंग. थैंक यू. जी हाँ आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. होनी चाहिए. कूल. थैंक यू. हेलो एवरीबॉडी हाउ आर यू. रेडियो मिर्ची अवार्ड सुपर्ब है और इस बार रियली म्यूजिक कबीर सिंह का बहुत ही अच्छा था. सो और टफ भी था लोगों के लिए म्यूजिक में अवार्ड सेलेक्ट करना क्योंकि बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है बट बहुत डिफिकल्ट था जूरी के लिए. बहुत डिफिकल्ट मुझे लग रहा है कि अवार्ड एक पॉइंट ऑफ व्यू है. उस पॉइंट ऑफ व्यू का लॉन्ग रन में उसका कोई वजूद नहीं है लॉन्ग रन में. इसलिए कि अब जैसे नमस्ते लंदन है तो उसको कहीं पे भी नॉमिनेट ही नहीं किया है, आपको पता भी नहीं है. या मैं जहाँ रहूँ तेरी याद साथ है नॉमिनेट भी नहीं हुआ था. तो अब आज किसी को याद भी नहीं है कि वो नॉमिनेट नहीं हुआ. वो एक लैंडमार्क गाना बन चुका है लोगों के लिए. तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस वक्त उस मोमेंट के लिए ज्यूरी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसकी वजह से अवार्ड एक किसी को मिल जाता है. दैट डजंट मीन कि वो जिसको नहीं मिला है वो डिज़र्व नहीं करता. लॉन्ग रन में अगर वो गाने में बहुत ज़्यादा दम है तो वो कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ जाते हैं. वो गाने हो या अमजद खान जी को शोले के लिए मिला ही नहीं अवार्ड तो अब नहीं मिला. बट दैट डजंट मीन कि वो ग्रेट नहीं थे. और जिनको मिला वो ग्रेट नहीं थे ऐसा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अवार्ड तो किसी एक को मिलना है. तो वो एक बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू ड्रिवन माइंडसेट है. बट मुझे लग रहा है कि आर्टिस्ट जो बहुत बहुत मेहनत करते हैं जो ऊपर आते हैं अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है. मैं भी सेंसिटिव था बट आई थिंक विद टाइम आपको अपना ड्यू मिल जाता है. मुझे नहीं लगता कि किसी को अपना ड्यू मिला नहीं है क्योंकि उसे उस वक्त अवार्ड नहीं मिला या जिसको मिला अवार्ड वो किसी और की क्रेडिट छीनना चाहता है. तो मैं इस पूरे विवाद को ये बात कहना चाहता हूँ कि इट्स ऑल अ पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि जो मुझे 6 दिखता है वो आपको 9 दिखता है. एक पॉइंट ऑफ व्यू और उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बहस कर सकते हैं बट इसमें कोई रॉन्ग या राइट नहीं है. मुझे नहीं लगता कि किसी को अवार्ड अगर मिला है तो वो डिज़र्व नहीं करते या जिसे नहीं मिला वो डिज़र्व वो भी नहीं करते वो भी डिज़र्व करते. सो इट्स अ वेरी पॉइंट ऑफ व्यू ड्रिवन. थैंक यू.